तो दोस्तों सबसे पहले ये बता दूं कि आज का वीडियो सिविल और इंटीरियर वालों के लिए है दोस्तों। जी हाँ, आज मैं आपको सिविल की कुछ ड्राइंग्स और इंटीरियर की कुछ ड्राइंग्स बताने वाला हूँ, जो कि बहुत सारे लोग मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि सिविल की ड्राइंग्स बनाओ। सिविल का प्लान जल्दी आएगा दोस्तों, सिविल के प्लान के लिए इंतजार करो, थोड़ा सा इंटीरियर ड्राइंग सीख लो इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने किया है ऑटोकैड ओपन और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको बेड कैसे ड्रॉ करना है हालांकि पढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं कंबाइन सिविल की इंटीरियर की ड्राइंग बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बेड से स्टार्ट करूंगा। रेक्टेंगल आपको लेना है। जी हाँ, रेक्टेंगल के लिए कमांड है REC, REC यानी कि रेक्टेंगल। सिलेक्ट कीजिए रेक्टेंगल यहाँ से या फिर REC टाइप कीजिए और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डी इंटो, मैं किंग साइज बेड बना रहा हूँ तो उसका साइज 84x60 इंचेस में मैं आपको बता रहा हूँ, 84x60, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जेड इंटर और ई इंटर करके दिखाऊंगा। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल बेड दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये वर्टिकल चाहिए तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं और आप इसे रेक्टेंगल में फिर से REC इंटर करके डी इंटर करके यहाँ पे 60x84 ले सकते हैं, उल्टा कर दीजिए बस, या फिर उसे किया हुआ रोटेट कर दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी मतलब इजी लग रहा है वो कर दीजिए। आपको मैंने बता दिया बस। टूल्स में इस UCS को हटा दे भाई, ये बीच बीच में आता है, चूंकि हम ओरिजिन करके यहाँ पे रख देते हैं, टूल्स UCS ओरिजिन, तो यहाँ पे मैंने इसे चलो रख दिया। अब इसमें मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, इसका बैक रेस्ट वगैरह मुझे बनाना है या फिर साइड टेबल मुझे बनाना है, तो डी इंटर मैं यहाँ पे करूँगा। 18x18 का हम साइड टेबल ज़्यादातर बना देते हैं। इंचेस में मैं आपको दिखा देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ मूव, और ये स्क्वायर जो है यहाँ पे मैं मूव टूल से इस तरफ रख रहा हूँ। तो मैं मिरर यूज करता हूँ अभी। MI सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और इसका पॉइंट क्लिक करके एंटर। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ MI मिरर वगैरह, क्योंकि आपने, मैं समझता हूँ कि आपने पुराने जो मेरे वीडियोज़ है जिसमें कॉपी पेस्ट मिरर या ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करनी मैंने बता दिया है, वो सीख लिया होगा, तो ये काफ़ी अच्छे से आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको साइड टेबल, मैंने दोनों तरफ रख दिया है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे SP लाइन ड्रॉ करके, सपोज मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये एक शेप इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये चद्दर ओढ़ ली मैंने यहाँ पे, ओके जस्ट एग्जांपल दोस्तों। और यहाँ पे मैं बैकरेस्ट भी देना चाहता हूँ, सपोज तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, डी इंटर, और रेक्टेंगल में मैं यहाँ पे देता हूँ जैसे कि 60x4 इस तरह से बैकरेस्ट आप दे सकते हैं। इसे आप मूव करके पीछे भी रख सकते हैं अगर इस तरह से आपको रखना है यहाँ पे। तो 4 इंचेस का मैंने फिलहाल रख दिया है, और यहाँ पे कुशन रखने के लिए उसकी साइज आप कोई भी ले सकते हैं, फिलहाल उस बेड के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए ऐसा लीजिएगा। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहा हूँ, इस तरह से कुशन नहीं बनाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे मैं आर्क ले रहा हूँ उसके साथ, और आपको दिख रहा है कि आर्क की मदद से मैं इसको इस तरह से कुशन बना रहा हूँ। पिल्लो भाई, पिल्लो आई मीन पिलो नहीं पिल्लो, ओके। तो ये पिल्लो यहाँ पे बना दिया मैंने, इस तरह से डिलीट कर दिया इस रेक्टेंगल को। MI एंटर करूँगा मिरर, और मिरर करने के बाद यहाँ पे आप इसमें कुछ डिज़ाइन करना चाहते तो कर सकते हैं भैया, आप इस SP लाइन लेके भी ऐसा कुछ कर लीजिए, बस इट्स डिपेंड ऑन यू आपको कैसे करना है। इस वाला इस तरह का क्वेश्चन बनाना है, बना लीजिए, कॉपी कीजिए इस लाइन को, कॉपी सेलेक्ट कीजिए और कॉपी करके यहाँ पे मैं इस तरफ इस लाइन को रख देता हूँ, या मिरर क्या करेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे, ओके ओके दैट्स इट। इस तरह से आप क्वेश्चन बना के इस तरह से रख सकते हैं, इसमें हैच भी डाल सकते हैं आप, एच इंटर। तो आपको चाहिए तो हैचेस यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, और उसमें अदर यहाँ पे अदर डिफाइन हैच वगैरह है, तो एच इंटर हैच होता है दोस्तों, एच इंटर करेंगे तो आपको ये हैच की स्क्रीन मिलती है। और इसमें ऐड पिक पॉइंट पहले करना रहता है, जो इधर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंटर करेंगे और यहाँ पे हम नीचे इसे प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे ये हैच आ जाएगा। ओ माय गॉड, इसका स्केल बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 10 कर देते स्केल को, वाओ काफ़ी अच्छा है। चलो राइट क्लिक करके इसे यहाँ पे रख देते, राइट क्लिक मतलब एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ पे ये बेड बन चुका है। इसमें एक चीज़ रहेगी, मैं यहाँ पे ज़रा दिखा देता हूँ आपको, लैंप बनाना है मुझे, तो नाइट लैंप के लिए मैं सपोज यहाँ पे सी इंटर कर देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैंने ये रेक्टेंगल से इस तरह से स्क्वायर के अंदर 2 लाइन की और उसके अंदर 2 सर्कल भी उस सेंटर पॉइंट से कर लिए, जो कि यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आता है, वो सेंटर पॉइंट हमारा सर्कल का रहेगा। फिर मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा और ये लाइंस मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा इस तरह से और ओके ओके दैट्स इट, इट्स ओके। ये टॉप व्यू से ऐसा दिखाई देगा आपका बेड, तो ये मैंने आपको बताया था। चलिए मैं आपको सोफा बता देता हूँ, आपको डी इंटर करना है सोफे के लिए। 18x18 का यहाँ पे मैं इंचेस का रेक्टेंगल ले रहा हूँ, मतलब स्क्वायर ही बोलो इसे, आप इसे फिलेट करोगे। फिलेट के लिए क्या कमांड है मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ, एफ इंटर कीजिए। एफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड लाइन पे एफ मैंने टाइप किया है, एफ कमांड पे टाइप किया, एफ के बाद एंटर करेंगे तो फिलेट आ जाता है दोस्तों। फिलेट के बाद आपको करना है आर इंटर। जी हाँ, आर इंटर रेडियस, जो फिलेट मैंने समझाया है पुराने वीडियोज में आपने देखा होगा, तो वेल एंड गुड, नहीं देखा हो तो यहाँ पे देख लीजिए। आर इंटर कीजिए और यहाँ पे फिलेट मैं दे रहा हूँ 3 का, तो 3 के रेडियस का यहाँ पे मैं इधर भी क्लिक करूंगा, स्पेस बटन प्रेस करूंगा, रिपीट करूंगा,
तो रिपीट फिलेट हो चुका है, ये दोनों कॉर्नर मैंने फिलेट कर दिए, मैंने कॉपी कर लिया इसको। अभी कॉपी करने के बाद इस कॉर्नर से मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके इस कॉर्नर से मैं बेस पॉइंट पकड़ के इसे इस तरह से कॉपी पेस्ट रख दूंगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पीएल एंटर करूंगा। आप देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पीएल एंटर करने के बाद पॉलीलाइन यानी कि पीएल, तो यहाँ पे पीएल यानी कि पॉलीलाइन F8 बटन प्रेस करके सीधा लाइन लूंगा और यहाँ पे मैं 4 का एंटर करूंगा। तो ये जो साइड रेस्ट रहता है या साइड आर्म रहता है वो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये आगे भी रहता है और पीछे तक भी रहता है। तो मैं इस तरह से बनाता हूँ, चलिए मेरा बेड इस तरह से 12 करता हूँ, मैं इस तरह से ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैं इसे मिरर करूंगा, तो ये कहाँ पे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए ये मिरर, ओके। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे बैक रेस्ट ऑल्सो, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा 4 और यहाँ पे आएगा कितना, ये पहले था 18 18 18, तो मेरा तो 54, तीनों भी 18 करके 54 हो जाता है, प्लस उसमें 8 में मिलाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 62, ओके 62 आ गया, ठीक है। ये 62, 8 कौन सा, ये 4 और ये 4 और ये तीनों भी 18 18 18 है ये। तो यहाँ पे मैं अभी ट्रिम कर लेता हूँ थोड़ा सा, दोस्तों ट्रिम कर लिया मैंने, इसे भी ट्रिम कर लिया, इसे भी ट्रिम कर लिया, और मैं फिलेट कर देता हूँ। एफ इंटर, आर इंटर, 3 इंटर और 3 इंटर के बाद एम इंटर भी कीजिए, मल्टीपल फिलेट, क्योंकि यहाँ पे भी फिलेट करना है, यहाँ पे भी फिलेट करना है, आप चाहिए तो अंदर का भी फिलेट कर ले कर सकते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से एक सोफा सोफा डिज़ाइन हो गया दोस्तों। तो इस तरह से सोफा बनाना है आपको, 3 सीटर सोफा मैंने बना दिया, बेड मैंने बता दिया आपको कैसे बनाना है, सोफा मैंने बता दिया, सोफा के इधर 2 सीटर्स भी सोफा बनाना है आपको। तो इस तरह से इसे कॉपी कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉपी करके आप इसे एफेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसे लाएंगे इस तरफ और आप यहाँ से इसे रोटेट भी कर देंगे। अभी मैं अलग सा नहीं बना रहा हूँ इसलिए मैं इसे रोटेट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। रोटेट 90 डिग्रीज में करेंगे, लेकिन यहाँ पे -90 करेंगे, तो -90 होगा तो ही ऐसा होगा, नहीं तो +90 करेंगे तो वो तो उल्टा घूम जाएगा दोस्तों। तो मुझे इस तरह से चाहिए, मैं इसे फिर से मूव कमांड दूंगा और मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे यहाँ पे उठा के रख देता हूँ इस तरफ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, मुझे इसे 2 सीटर करना है, तो मैं एक सीट तो यहाँ से गायब कर दूंगा इसे, तो गायब तो कर लिया मैंने। फिर मुझे पॉलीलाइन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लेना होगा दूसरा लाइन, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा। अभी यहाँ पे आपको 8 4 लेना है दोस्तों, और 4 लेके यहाँ पे 12 और ये इस तरह से ज्वाइन होगा और ये लाइन कंटिन्यू यहाँ पे ज्वाइन होगी और इधर की लाइन होगी आएगी ट्रिम, जो कि आपको करनी होगी। यहाँ पे ट्रिम करने के लिए TR डबल एंटर कर सकते हैं आप, ये डिलीट कर दीजिए, ये तो ट्रिम नहीं होगा, अकेला बचा है। यहाँ पे भी ट्रिम करने की ज़रूरत है आपको थोड़ा सा लाइन, और ये हो गया ट्रिम। तो चलिए यहाँ पे फिलेट भी कर दीजिए, यहाँ पे F इंटर, R इंटर, 3 इंटर, F R 3, थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके या आराम से देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर M इंटर करना है, M इंटर करने से यहाँ पे इसका फिलेट इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, प्रॉपरली हो चुका है। अब इसमें सेंटर टेबल भी रख दो और एक थोड़ा सा साइड में टेबल भी रख दो, जिसमें फ्लावर पॉट वगैरह आप रख सकते हैं। तो साइड टेबल मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 18x18 का वैसी, और इसे मैं साइड में रख देता हूँ थोड़ा सा, साइड टेबल 18x18 या उससे छोटा भी आप कर सकते हैं, इट्स ओके। आपको कम ये बहुत बड़ा हो गया, मैं काम कर देता हूँ इसको प्रॉपर अलाइन में रखने के लिए एक काम कर देते हैं हम लोग, इसे स्ट्रेट लाइन मार देते हैं और इसे भी स्ट्रेट लाइन मार देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल बना देंगे 14x14 का। अब थोड़ा सा साइड टेबल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, डी इंटर करेंगे पहले रेक्टेंगल लेने के बाद, रेक्टेंगल क्लिक करेंगे डी इंटर और उसके बाद 14x14, सो इस तरह से आ गया। फिर मूव और इसे हम लोग रखेंगे यहाँ पे और डिलीट इसको प्रॉपरली रख दो, ठीक है मैंने अब ऐसा रख दिया। अभी यहाँ पे आपको रखना है सेंटर टेबल, तो यहाँ पे हम सेंटर टेबल लेंगे डी इंटर। तो मैं आपको साइज़ बताता हूँ, एक स्टैंडर्ड साइज़ बता देता हूँ, 3 फुट का रहेगा, 3x2 फुट, तो यहाँ पे 36x24 का इस तरह से लेंगे हम। इसे हम मूव टूल करके थोड़ा सा अंदर एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे अलाइन करके भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे फिलहाल मैं ऐसा रख रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी आपको इसको भी फिलेट देना है, F इंटर, R इंटर, 3 इंटर और P इंटर कीजिए। P इंटर यानी पॉलीलाइन वाला फिल्टर, जो मैंने पॉलीलाइन वाला फिलेट दोस्तों जो मैंने बताया आपको, ये चारों तरफ से फिलेट हो रहा है। एक छोटा सा सर्कल लीजिए जो कि यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाने हैं, ये चारों भी सर्कल नीचे उसका मतलब पहिया रहेगा, जो आपको ये ग्लास की तरह है, तो इस तरह से आपको ये रहेगा। तो आपको ये ग्लास की तरह कैसे दिखाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे इसे कॉपी कर लो पहले, इस सर्कल को सब जगह पे रख दो, एक है यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे, तीसरा है और यहाँ पे चौथा है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल लीजिए छोटा सा, इसको ग्लास की तरह दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। और यहाँ पे आपको करना है H इंटर दोस्तों, H इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको HS में जाना है और HS में ये वाला HS लीजिएगा, और एक्चुअली एड पिक पॉइंट करके यहाँ पे एंटर करके प्रीव्यू कर लेते हैं, और प्रीव्यू करने के बाद ये नहीं बढ़िया, यहाँ पे ज़रा चेंज कर लेते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे ये दिस वन इज़ ओके एंड प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और फिर क्या करना है, फिर ये लाइन डिलीट कर देनी है। तो
इस तरह से ये दिखाई देगा, हो गया, चलो ठीक है, आप इस तरह से दिखा सकते हैं, फिलहाल हम कलर नहीं दे रहे इसलिए ट्रांसपेरेंट कुछ नहीं दिखा रहे यहाँ पे। तो इस तरह से आ गया, ये बन गया है, आपको सेंटर टेबल वगैरह दिखाई दे रहा है। तो और भी पार्ट है इसमें, थोड़ा सा सिविल इंजीनियर के लिए मैंने बोला, इंटीरियर वालों के लिए, तो थोड़ा सा और भी चीज़ें ले लेते हैं इसमें। तो वार्डरोब बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, डी इंटर मैं यहाँ पे वार्डरोब बना रहा हूँ, सपोज जहाँ पे कपड़े हैंगर वगैरह लगाते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे 5 फीट का बना रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पे इस तरह से 1 फुट का रख रहा हूँ, 5 फीट मतलब 60 बाय 12। तो 60 बाय 12 करने के बाद मैं यहाँ पे PL करूँगा, पॉली लाइन दोस्तों, PL यानी कि, और यहाँ पे मिड लाइन से इस तरह से ये 2 लाइन्स ड्रॉ करूँगा, फिर मैं PL करूँगा। अभी इसको जहाँ पे भी एडजस्ट करना है रूम के अंदर, वो तो बाद में रूम के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि इसका मिड पॉइंट मैं डिसाइड करूँगा कि इसका मिड पॉइंट जो है, ये जो लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पे रहे। तो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया है प्रॉपरली, और थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो आप इसका मिड पॉइंट इस लाइन पर एडजस्ट कर सकते हैं। और PL करके इस लाइन को इस तरह से ट्रायंगल कीजिए, ट्रायंगल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। तो आपको ये कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को इस बेस पॉइंट पे लेके इस डिस्टेंस पे इधर इस साइड पे एफेट ऑन रखिए, ताकि आप 6 के डिस्टेंस पे 12, 18 और 24 के डिस्टेंस पे 4 रख सकें। और फिर आप इसे मिरर करेंगे, तो इसको एक साथ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये मिरर हो जाएगा दोस्तों। वाह, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको दिख रहा है वार्डरोब कैसे तरह से टॉप व्यू से कैसे दिखाई देगा, एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बता दी। बाद में जब प्लान में आपको बताऊँगा, जिसमें फर्नीचर प्लान रहेगा या फर्नीचर उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होगी, तब मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे बना के दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये सीख लो, इसकी साइज़ वगैरह देख लो, मैंने बता दी है 60 बाय 12 यानी 5 फीट बाय 1 फीट, इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब मैं आपको कंप्यूटर टेबल दिखा देता हूँ दोस्तों। कंप्यूटर टेबल काफ़ी आसान है बनाने के लिए, आप ट्रॉली बना सकते, टेबल बना सकते, लेकिन फिलहाल मैं टेबल ही बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ वो देख लीजिए, उसका साइज़ आप डिपेंड करता है आपका LCD कितना बड़ा है। तो मैं फिलहाल एक स्टैंडर्ड साइज़ का कंप्यूटर ट्रॉली या कंप्यूटर टेबल के लिए जो टॉप व्यू की साइज़ रहती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 24 बाय 18, तो 24 बाय 18 ले रहा हूँ, यानी कि ये 1.5 फुट का और ये 2 फुट का है, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। और इस रेक्टेंगल के ऊपर मैं, चलिए आप कौन से भी इंच का ले सकते हैं, चलो मैं 19 इंच का या 21 इंच का LCD ले लेता हूँ, डी इंच 21 बाय, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 21 बाय 4 इंचेस, इस तरह से ओके 21 बाय 4 इंचेस लेके मैं मूव टूल कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इधर मूव कीजिए आप, और 4 इंचेस आपको नहीं रखनी यहाँ पे, इस तरह से मिडल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये 4 इंचेस मैंने लिया, लेकिन 2 इंचेस का है, वो थिकनेस रहेगा ऊपर का, 2 इंचेस से भी कम रह सकता है, 2 इंचेस तो बढ़िया बड़ा हो गया, बहुत सारे फ्लैट आने लगे आजकल, तो 2 इंचेस ही है, तो मैं इस तरह से ले लेता हूँ। इसको मैं ट्रिम करूँगा दोस्तों, इस तरह से आप हटा दो इसको, चलिए मैं 4 लिया तो 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे मिडल लाइन ड्रॉ करके आप इसे इस तरह से, चलिए इसे ट्रायंगल को इस तरह से दिखा देंगे, इस तरह से ओके। सो मैं यहाँ पे ट्रिम करूँगा, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है अभी, ये आपको समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। ये मैंने ट्रिम कर दिया, लाइन कैसे क्रॉस ड्रॉ की और कैसे ट्रिम किया, फिर इसको मैं एडजस्ट करूँगा इसमें सेंटर में प्रॉपरली, लगभग सेंटर एक लाइन ड्रॉ करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक मिडल में सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं इसे ट्रिम करूँगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये किस तरह से स्टैंड नज़र आएगा। टॉप व्यू से आपका जो LCD दिखेगा वो इस तरह से दिखाई देगा दोस्तों। तो LCD के बाजू में कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह आप रख सकते हैं, तो कीबोर्ड का साइज़ भी आप लीजिए यहाँ पे, चलो 18 बाय 4 इंचेस का मैंने ले लिया कीबोर्ड, 18 बहुत बढ़िया हो गया, 16 ही रहना चाहिए आई थिंक सो। तो यहाँ पे चलिए मैं लेता हूँ 16 यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया मैंने, और इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ इस तरफ ओके। और इसमें कीबोर्ड के लिए एरे यूज़ करेंगे हम दोस्तों, बटन दिखाने के लिए, बस यहाँ पे आपको पूरे बटन नहीं दिखाने, ये टॉप व्यू से बहुत छोटा दिखाई देगा। तो एरे लीजिए, एरे के लिए AR शॉर्टकट की है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगुलर एरे आ जाता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, एरे का कमाल देख लीजिए एक बार, आपने एरे तो सीखा होगा, नहीं सीखा हो तो यहाँ पे देख लीजिए जरूर कमाल उसका दिख रहा है आपको, बटन्स मिल गए रेडीमेड। और यहाँ पे कॉलम्स बढ़ा देते हैं हम लोग, ज़रा 10-15 कॉलम बढ़ा दो यहाँ पे प्रीव्यू, और थोड़ा सा गैप भी बढ़ा दो कॉलम्स में, कॉलम ऑफसेट में थोड़ा सा गैप यहाँ पे 6 कर देते, ऑफसेट गैप यहाँ पे बढ़ा दिया मैंने, और 15 की जगह यहाँ पे 18 कर लेते और प्रीव्यू कर लेते, तो यहाँ पे ठीक है, राइट क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, और इसे लग रहा है ये कीबोर्ड है, बढ़िया है, यहाँ पे कॉपी कीजिए इसे दोबारा, थोड़ा सा इसे कॉपी करके आप देख लेना यहाँ पे इस तरह से गैप रख के, यहाँ पे इफेक्ट ऑन रखिए, सीधा सीधा रख दीजिए, और ये कीबोर्ड का पैटर्न बन गया, बस हो गया, दैट्स इट। और यहाँ पे आप रख सकते एक वायर्स के लिए होल, और बहुत बड़ा हो गया दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा रख दो, ये एक इस तरह से रहेगा, और माउस भी तो चाहिए, और वो वायरलेस रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं है, वायर दिखा सकते हैं आप,
मॉनिटर के लिए तो वायर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसको ले आएगा एक पावर वायर और एक आएगा डिस्प्ले वायर जो कि सीपीयू से आ रहा है। तो चलिए, और यहाँ पे हो गया। आपको लैपटॉप बनाना है तो ही बना लीजिए, आप ज़रा यूज़ कीजिए अपना इमेजिनेशन पावर, वहाँ पे आप बना सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे एलिप्स के साथ एक माउस ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिसकी ज़रूरत है हमें। एलिप्स यहाँ पे मिलेगा हमें, और यहाँ पे मैं एलिप्स की मदद से माउस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं कैसे कर रहा हूँ दिखाई दे रहा है आपको, मैंने दो क्लिक किए और यहाँ पे तीसरा क्लिक किया, आपको दिख रहा है। और उसके बाद आर्क यूज़ करूँगा जो कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा इसके अंदर इस तरह से। तो ये काफ़ी कमाल का आ जाएगा, माउस बन जाएगा क्विकली, एंड दैट्स इट। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है बनाना, ये कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट एंड यू विल कम टू नो। ये मैंने फिर से इलिप्स ले लिया है, इलिप्स के दो तीन पॉइंट। ये एक बार जो मैंने स्टार्टिंग से लेक्चर बताया है उसका सभी का अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब टूल्स आपको आसानी से आ जाएंगे, ज़रूर आ जाएंगे। एस पी लाइन वगैरह आपको, आपका हाथ उसमें बैठ जाएगा दोस्तों। आप रहकर डायरेक्टली ये ड्राॅइंग के लिए लेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। तो ये वायरलेस नहीं है, मेरा कीबोर्ड भी वायरलेस नहीं है। चलो पॉली लाइन लेना है दोस्तों, एस पी लाइन लेना है। तो मैं यहाँ पे एस पी लाइन ले लेता हूँ और इस वायर को भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो चलिए, ये हो चुका है मेरा कंप्यूटर डेस्क, काफ़ी ईजी है और मुझे तो लगा ईजी। आप देख लेना, इस तरह से आप एक सोफ़ा क्रिएट कर लो जिसमें इस तरह से सब सेट रहेगा, सेंटर टेबल वगैरह, टू सीटर, थ्री सीटर एंड साइड टेबल, एंड बेड भी क्रिएट कीजिए। वैसे भी बेड मैंने क्रिएट करना पुराने वीडियो में बताया, आपने किया होगा प्रैक्टिस, वेल एंड गुड। तो आगे का प्रैक्टिस कीजिए। तो ये मैंने कुछ ड्राइंग्स यहाँ पे बताई, ये वीडियो लंबा नहीं मैं खींचना चाहता हूँ, तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। और बहुत सारे लोग सिविल से बिलोंग करते हैं और बहुत सारे कैड के नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं, तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और वीडियो मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते रहूँगा, कुछ प्लान भी लेके आऊँगा, और जितना टाइम मिलता है मुझे उतना मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो देने की। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। चलिए मैं करता हूँ मेरी बकवास अभी बंद, एक ही कहूँगा, जाते जाते सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।